नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का सभी किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो 12वीं किस्त है ये कब आने वाली है कंप्लीट इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, आपने गूगल सर्च में देखा होगा कभी कि जो 12वीं किस्त है इसके बारे में बताया जा रहा था कि पीएम किसान 12th इंस्टॉलमेंट रिलीज डेट 5 सितंबर 2022। तो 5 सितंबर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट ने यहाँ पे दिया था, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। आप गूगल पे सर्च करोगे पीएम किसान इंस्टॉलमेंट डेट 2022 तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो 0.48 सेकेंड में। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.48 सेकेंड, यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ से ऊपर तक का सर्च रिजल्ट है इसका। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो 12वीं किस्त है वो 5 सितंबर को किसी को मिला या फिर नहीं मिला। तो देखिए, मिला है, मैंने देखा है, मैंने अपने यहाँ के देखिए एक फार्मर का देखा है। यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये उनकी बैंक का स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने 1 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022 तक का इनका यानी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकाली हुई है, बैंक से स्टेटमेंट लिया है। इनका एयरटेल पेमेंट बैंक में DBT इनेबल है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 5 तारीख को DBT के थ्रू ये जो इनकी इंस्टॉलमेंट 12th है ये यहाँ पे क्रेडिट हो गई थी। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि मैंने कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा पीएम किसान सम्मान निधि की तरफ से और ना ही किसी न्यूज पे देखा, अभी तक मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा। लेकिन इनका रियलिटी में आया है, देखिए ये बैंक का स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई यानी कि झूठा नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया हमारा आ गया। तो हमने देखा तो हमें आश्चर्यजनक हुआ, हम 5 दिन लेट हो गए वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैंने अपने पिताजी का चेक किया, काफ़ी लोगों का चेक किया, तो अभी तक नहीं आया है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका DBT के थ्रू यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि LPG जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी भी इनके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट होती है। तो इससे आपको कन्फर्म हो गया कि ये जो पैसा है पीएम किसान सम्मान निधि का ये रियलिटी में जो 5 सितंबर को डाला गया था ये काफ़ी किसान भाइयों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अब बात आती है कि जिन किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है फिलहाल उनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम चेक करने के लिए सिंपल पता है बेनिफिशरी स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर भी एक एरर शो होता है, मोबाइल नंबर डालने पर डेटा नहीं दिखाता है क्योंकि ये वेबसाइट में एरर चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है, गेट मोबाइल OTP इस पर क्लिक कर देना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। ये प्रक्रिया मैं क्या बता रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके समझ में आ जाएगा। कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि OTP हैज बीन सेंट एज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है तो आप सक्सेसफुली पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। लेकिन यहीं पर अगर जो आपको कंप्लीट EKYC करने के लिए देता है तो आपके स्टेटस में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, आपको उसे चेक करा लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल OTP डालने के बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जस्ट आपको बैक से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद में फिर से हमें जाना है अपना बेनिफिशरी स्टेटस में। तो बेनिफिशरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर टिक कर लेना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हम इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और गेट डेटा पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपका स्टेटस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि आपका जो आधार स्टेटस है ये वेरीफाइड होना चाहिए और एक्टिव इनएक्टिव में आपका एक्टिव होना चाहिए और पेमेंट मोड भी आपका आधार होना चाहिए। और ये जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपका NA होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है अब DBT यानी कि आधार पेमेंट के थ्रू आएगा, आधार मोड के थ्रू। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। फिर आपको इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, आपका स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए, पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, अकाउंट नंबर NA होना चाहिए। तो आपका जो पैसा है वो आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे आपका नहीं आया है 5 सितंबर को, तो देखिए यहाँ पे इनका भी 5 सितंबर को नहीं आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनका 1 जून को आया था, तब से अभी तक पैसा नहीं आया, इनका सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ई के वाई सी कम्प्लीट है। तो कुछ कुछ लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ 10% लोगों का आ गया होगा 5 सितंबर को, लेकिन जल्दी से जल्दी आप लोगों का 1 अक्टूबर तक, नहीं तो हो सकता है मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर तक आ जाएगा। जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।